और अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम होगी देन आई विल हैंडल इट। आप समिया की डेथ का जिम्मेदार मुझे समझते हैं। कहीं ना कहीं हम सब उसके इस तरह चले जाने के जिम्मेदार हैं। शायस्ता तुम भी और बाबर भी। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। अल्लाह की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका इलाज कराना चाहिए था। उसका इलाज होता शायद वो बच जाती। इलाज कराने से मौत की घड़ी तो नहीं टल सकती। खालिद आप सबर कर। हमारी बेटी बहुत तकलीफ उठाकर गई है इस दुनिया से। उसकी तकलीफ कम हो सकती थी अगर तुम दोनों मेरी बात मान लेते और ये ना कहते कि वो बिल्कुल ठीक है। मुझे बिल्कुल ठीक लगती थी। मैं सोचती थी थोड़ी बहुत एंजाइटी है, ठीक हो जाएगी। तुमने तो कभी उसको मां की नजर से देखा ही नहीं। अगर देखती तुम नजर आता तुम्हारे लिए तो वो सिर्फ एक टॉय थी जिसे तुम दुनिया भर को दिखाकर खुश हुआ करती थी कि ये देखो इस तरह की चीज किसी और के पास नहीं। उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं थी और हम देखकर खुश हुआ करते थे कि ये देखो कितनी स्मार्ट है। लेकिन हमने कभी उसकी खुशी के बारे में नहीं सोचा। कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी उसकी बीमारी को। डिप्रेशन एक बड़ी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, जानलेवा। हम सब ने मारा है इसे। ऑल ऑफ अस। समिया के लिए दुआ करनी चाहिए। अब इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत दे। मैं आयान को देखती हूँ। मैं आयान को अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं बाबर के पास उसको नहीं छोड़ूंगा। मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है उस पे।